सीआईटी एन सीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा छ के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा भाग एक इक्कीसवा पाठ अंगुली माल पृष्ठ संख्या एक सौ चार से एक सौ आठ तक प्रस्तुत है पाठ अंगुली माल एक जंगल में अंगुली माल नाम का एक डाकू रहता था वह बहुत निर्दयी था वह जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था वह उन्हें मार डालता था वह उनकी अंगुलियों की माला बनाता था उस माला को गले में पहनता था इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया उन्हें जंगल में जाने से रोका लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया महात्मा बुद्ध ने लोगों की बातें बहुत धैर्य से सुनी वे बोले डरने की कोई बात नहीं है महात्मा बुद्ध मुस्कराते हुए जंगल में चले गए जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया वह गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कराकर उसका स्वागत किया इस प्रकार बिना डरे मुस्कराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्तियां तोड़ लाओ अंगुलीमाल पत्ते तोड़ लाया बुद्ध मुस्कर और बोले इन पत्तों को जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगा आओ अंगुलीमाल बोला यह कैसे हो सकता है जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वह फिर कैसे जुड़ सकता है बुद्ध ने उसे समझाया तुम यह जानते हो कि जो एक बार टूट गया वह दोबारा जुड़ता नहीं तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते पेड़ हो या अन्य प्राणी सब में प्राण होते हैं प्राणियों को तुम क्यों सताते हो उन्हें मारते क्यों हो अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया वह उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया अभ्यास एक मैं कुछ शब्द बोलूंगा आप उन्हें दोहराइये गुस्सा गुस्सा भगवान भगवान जाना जाना निर्दयी निर्दयी शरण शरण बुद्ध बुद्ध दुबारा दोबारा डाकू डाकू धैर्य पूर्वक धैर्य पूर्वक घृणा घृणा सताना सताना अंगुलियों की माला अंगुलियों की माला टूट टूट शिष्य शिष्य धैर्य धैर्य बिना डरे बिना डरे जाना जाना मुस्कराकर, मुस्कराकर स्वागत स्वागत समझ जाना समझ जाना एक बार एक बार जुड़ जुड़ इसलिए इसलिए दो अब आप वाक्यों को बदलिए उदाहरण के लिए पहले मैं गांव में रहता था इस वाक्य को मैंने बदला है अब मैं शहर में रहता हूं इसी प्रकार आप भी वाक्यों को बदलिए इन वाक्यों को बदलने के लिए मैं आपको एक शब्द दूंगा उस शब्द का प्रयोग करते हुए आपको नया वाक्य बनाना है एक पहले राघवन फुटबॉल खेलता था इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है क्रिकेट दो पहले सुषमा गाना सीखती थी इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है नृत्य तीन पहले वे चाय पीते थे इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द है दूध चार पहले हम गांव के विद्यालय में पढ़ते थे इस वाक्य को बदलने के लिए शब्द हैं जवाहर नवोदय विद्यालय तीन अब मैं आपको कुछ क्रिया शब्द दूंगा आप उनसे अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए क्रिया शब्द हैं समझना समझ गया समझ गई उदाहरण के लिए मैं आपकी बात समझ गया अब आप इन वाक्यों को पूरा कीजिए मैं आपको कुछ क्रिया शब्द दूंगा आप उनसे अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए इन वाक्यों को पूरा करने के लिए क्रिया शब्द हैं हो गया हो गई बैठ गया बैठ गए रह गया रह गए रह गई एक मेरा काम पूरा रिक्त स्थान। दो तुम देर से आए चाय खत्म रिक्त स्थान। तीन नौकर रास्ते में ही रिक्त स्थान चार सभी विद्यार्थी अपनी अपनी सीट पर रिक्त स्थान पांच अंजना खुश रिक्त स्थान अब आप अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए चार अब आपको वाक्य बदलने हैं उदाहरण के लिए मैं पुस्तक पढ़ता हूं मैंने इस वाक्य को बदला है मैंने पुस्तक पढ़ी अब आप इन वाक्यों को बदलिए एक रमेश पतंग उड़ाता है दो मैं हिंदी सीखता हूं तीन हम मिठाई खाते हैं ख अब आप कुछ और वाक्यों को बदलिए जैसे मैं दूध पीता हूं इस वाक्य को मैंने बदला है मैंने दूध पिया इसी प्रकार आप इन वाक्यों को बदलिए एक मैं चित्र बनाता हूं दो वह कपड़े धोता है तीन सलमा चित्र बनाती है ग, अब मैं आपको कुछ वाक्य दूंगा उनके साथ आप एक नया वाक्य बनाइए जैसे ललिता रोज नौ बजे सो जाती है इस वाक्य के साथ मैंने नया वाक्य बनाया है आज वह आठ बजे सो गई ठीक इसी प्रकार आप भी नया वाक्य बनाइए इन वाक्यों को बनाने के लिए मैं आपको शब्द भी दूंगा एक श्रीनिवासन रोज सात बजे स्कूल जाता है इसके साथ नया वाक्य बनाने के लिए शब्द हैं दस बजे दो अखबार रोज सुबह ग्यारह बजे आ जाता है इस वाक्य के साथ नया वाक्य बनाने के लिए शब्द हैं बारह बजे तीन सुनीता रोज सुबह नहाती है इस वाक्य के साथ नया वाक्य बनाने के लिए शब्द हैं शाम को पांच इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक कौन था दो डाकू को अंगुलीमाल क्यों कहते थे तीन अंगुलीमाल को गुस्सा क्यों आया चार भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल का स्वागत कैसे किया पांच भगवान बुद्ध ने अंगुली माल से क्या तोड़ लाने को कहा योग्यता विस्तार एक विद्यार्थी एक से बीस तक की हिंदी गिनती एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस का अभ्यास करें विद्यार्थी सुबह दिन में दोपहर में शाम को इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए शिक्षण संकेत एक अध्यापक विद्यार्थियों को समझाएं कि जाना क्रिया का भूतकाल रूप गया गए, गय, गई होता है। अध्यापक न संरचना के बारे में विद्यार्थियों को बताएं कि इस संरचना में क्रिया का अर्थ कर्म लिंग वचन के अनुसार रूप बदल दूरवा भाग एक अभी आप सुन रहे थे कक्षा छ के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कलाकार प्रवीण शर्मा तिलक राज, राजेश आहूजा और सत्यश्रवा शर्मा ध्वनियांकन बटीलैंगलिंगडो तथा निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एन सी ई आर टी